नोएडा में स्पा की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने मालिक मैनेजर समेत 14 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है। चेहरा छुपा कर जाने वाले लोगों को देखिए, ये वो लोग हैं जो स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट में लगे थे। ये तस्वीरें नोएडा सेक्टर 61 के स्पा सेंटर से आई हैं। यहाँ एक मॉल में स्पा सेंटर के नाम पर वेश्यावृत्ति के धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। शिकायत मिलने पर जब पुलिस ने छापेमारी की तब अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर के संचालक मैनेजर समेत 9 लोगों के अलावा 14 लड़कियों को पकड़ा है। पुलिस ने स्पा सेंटर से कई तरह की आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। शॉपरिक्स मॉल के अंदर निर्वाणा नाम से स्पा सेंटर चल रहा था। सूचना मिली थी कि सेक्टर 61 में जो शॉपरिक्स मॉल है यहाँ पे निर्वाणा नाम का एक स्पा चल रहा है। छापेमारी की और इस संयुक्त कार्रवाई में हम लोगों ने यहाँ पे जो देह व्यापार का आरोप था वो सही पाया है। यहाँ पे बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें। पुलिस जांच में सामने आया है कि सेंटर में स्पा की आड़ में 2 साल से देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पूछताछ में पता चला है कि स्पा सेंटर में आने वाले ग्राहक से 5 से 6 हजार रुपए वसूल किए जाते थे। पुलिस ने मौके से मोबाइल, लैपटॉप और आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।